आज दोस्तों नॉनवेज वाली स्वादिष्ट ग्रेवी के साथ अरहर की दाल की सब्जी बनाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई अरहर की दाल की सब्जी कैसे बनेगी। अरे भाई वही तो सीक्रेट है इस पूरी रेसिपी में। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोटीन से भरी हुई दाल की रेसिपी आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। इसे बच्चे भी बड़े चाव से खाएंगे और बड़े बूढ़े भी, यानी कि रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट होने वाली है। मुझे उम्मीद है कि रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। फिलहाल बिना देरी के हुए इस स्वादिष्ट नॉनवेज स्टाइल रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर अरहर की दाल ली है, लगभग एक कटोरी ऊपर तक भरी हुई, और जिसको मैंने पूरी रात फूलने के लिए छोड़ दिया था, यानी कि पानी में सोख होने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पर एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इस दाल को कम से कम 10 से 12 घंटे जरूर फुलाएं, तभी अच्छी तरीके से फूल पाएगी, वरना ये बिल्कुल भी नहीं फूल पाएगी। तो 10 से 12 घंटे का समय हो तभी आप इस रेसिपी को बनाएं। दूसरा, ये दाल फूलकर बहुत ज़्यादा नहीं होगी, तो आप ध्यान रखिएगा दाल को थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में ही फूलने के लिए छोड़ें। ये अच्छी तरीके से फूल चुकी है, तो अब इसका हम जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सब निकाल लेंगे। तो इसके लिए लेंगे एक हम चलनी, और अब इसके अंदर हम दाल को डाल देंगे और इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकाल लेंगे। दाल से सारा पानी निकल गया है तो इसे हम पीस लेंगे। तो इसके लिए लेंगे एक हम मिक्सी का जार, और अब इसके अंदर हम दाल को डाल देंगे। आप इस दाल की जगह मूंग की दाल का भी प्रयोग कर सकते हैं, या चने की दाल से भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर अरहर की दाल से बना रहा हूँ, क्योंकि इससे काफ़ी स्वादिष्ट लगेगी, थोड़ी सी अलग लगेगी। अब इसको हम पीस लेते हैं बिल्कुल बारीक। दाल पीसकर रेडी है, बस इस तरीके से हमें इसे बिल्कुल बारीक पीस लेना है, और ध्यान रखना है इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना है, सिर्फ हमें दाल पीसनी है। अब इस दाल को एक बड़े से बाउल में निकाल लेते हैं। अब इस दाल के अंदर डालेंगे हम हींग, हींग थोड़ी सी मात्रा में बढ़ाकर रखें, इसी के साथ नमक। अब इन सभी को हमने अच्छी तरीके से मिला लिया है, तो अब चलते हैं हम गैस की तरफ, और इस पर एक पैन रख देते हैं, और अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। पानी लगभग हम आधा लीटर जितना डालेंगे, आप चाहें तो पानी अपने हिसाब से थोड़े से बड़ा घटा सकते हैं। अब इसको हम कवर कर देंगे और एक उबाल आने तक अच्छी तरीके से पानी को गर्म कर लेंगे। एक उबाल आ चुका है, ढक्कन खोल लेते हैं, और अब इसके ऊपर इस तरीके से छेदों वाली चलनी रख देते हैं। ध्यान रखिएगा इसी तरीके से छेदों वाली चलनी ही रखना है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं, आप चाहें तो इसकी जगह रिफाइंड ऑयल या घी किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पर सरसों का तेल लगा लेता हूँ। अब जो मैंने अरहर की दाल का मिश्रण बनाया था उसको चम्मच की सहायता से इस तरीके से रख देंगे इसके ऊपर, आराम से रखिएगा। आप चाहें तो छोटे साइज़ की बना सकते हैं, मैं फिलहाल इस साइज़ की बना रहा हूँ, क्योंकि बड़े साइज़ की काफ़ी स्वादिष्ट लगती हैं। आप अपने हिसाब से किसी भी साइज़ में इसे बना सकते हैं, फिलहाल मैं यहाँ पर इस साइज़ की बना रहा हूँ। जितनी इसके अंदर आराम से आ सकें सिर्फ आप उतनी ही बड़ी रखिएगा। अब इसको हम ढक देते हैं, लगभग 6 से 7 मिनट में ये अच्छी तरीके से पक जाएंगे। लगभग 7 मिनट हो चुका है, इसे खोलकर चेक कर लेते हैं। अब इन बड़ियों को अच्छी तरीके से हम चलनी से छुड़ा लेते हैं, यानी कि अलग कर लेते हैं। बहुत ही आसान है इन्हें निकालना। फिलहाल यहाँ पर लगभग 7 से 8 मिनट आप इन्हें ज़रूर पकाएं, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब ये देखिएगा बड़ी अच्छी तरीके से पक चुकी है, मैं पास से दिखा देता हूँ। अब इन सभी को हम अच्छी तरीके से छुड़ा लेते हैं। अब जो हमारे बचा हुआ बैटर है उससे भी हम इसी तरीके से और बड़ियाँ बना लेंगे। बस इसी तरीके से हमें सारी बड़ी बनानी है। अब चलते हैं हम गैस की तरफ, और इस पर एक कढ़ाई रख देते हैं, और अब इसके अंदर हम डाल देंगे सरसों का तेल, लगभग 2 बड़े चम्मच। अब इसको हम धुआं उठने तक गर्म कर लेते हैं। तेल धुआं उठने तक गर्म हो गया है तो हल्का सा इसे हम ठंडा कर लेंगे। अब इसके अंदर जो मैंने अरहर की बड़ी बनाई थी उसको डालकर सेंक लेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो गैस की फ्लेम है वो मीडियम होनी चाहिए, ना तो बिल्कुल स्लो और ना ही बहुत ज़्यादा हाई। इसे हमें अच्छी तरीके से लगभग 5 से 6 मिनट फ्राई करना है, ताकि जो हमारी बड़ी हैं वो अच्छी तरीके से सिक जाएँ। ये देखिएगा अब बड़ी जो है लाल होने लगी हैं, मैं पास से दिखा देता हूँ, यानी कि बड़ी हमारी सिक चुकी हैं। तो अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर तेल बड़ी बिल्कुल नहीं पिएंगी, बहुत कम तेल में सिक जाएंगी। देखिएगा अभी भी जितना तेल मैंने डाला था लगभग उतना ही बचा है, बहुत कम बड़ी ने तेल पिया है। अब इसमें हम फिर से सरसों का तेल डाल देंगे, लगभग 1 बड़ा चम्मच जितना, और अब इसको हम गर्म हो जाने देंगे। तेल गर्म हो चुका है तो अब इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी जावित्री, इसी के साथ लगभग 7-8 काली मिर्च, 3 लौंग और 1 बड़ी इलायची जिसे मैंने तोड़ लिया था, और अब डालेंगे इसमें हम कद्दूकस किया हुआ अदरक लहसुन। इसे बिल्कुल थोड़ा सा भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी हल्का सा भून लेंगे। और अब डाल देंगे इसमें हम प्याज का पेस्ट। मैंने यहाँ पर लगभग 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और उसको बिल्कुल बारीक पीस लिया था, और अब इसे हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। इसी के साथ हमारे अदरक लहसुन का पेस्ट भी भुन जाएगा। जब तक प्याज भुन रहा है तब तक हम मसालों का घोल तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए लेंगे एक हम बड़ी सी कटोरी, और अब इसमें डालेंगे कुछ हम पिसे हुए मसाले। मसालों में लेंगे धनिया पाउडर लगभग 1 टेबल स्पून जितना, इसी के साथ गर्म मसाला ये भी लगभग 1 टेबल स्पून जितना, हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून जितनी, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून जितना, नमक स्वाद के अनुसार, और अब इसको ढाबे जैसा स्वादिष्ट बनाने के लिए डालेंगे इसमें किचन किंग मसाला लगभग 1 टेबल स्पून जितना। उसी के साथ इसको और भी स्वादिष्ट करेंगे, यानी कि डालेंगे इसमें हम मटन मसाला 1 पैकेट, ये 5 रुपये वाला है, या आप समझ सकते हैं कि मैंने 1 टेबल स्पून जितना डाला है।
अब इनको हम थोड़ा सा अच्छी तरीके से मिला लेंगे और अब डालेंगे इसके अंदर हम पानी लगभग 1.5 कप जितना, और अब इन सभी को हम अच्छी तरीके से इसमें घोल लेंगे। मसालों का पेस्ट बनके रेडी है, तो चलते हैं हम गैस की तरफ, देखते हैं प्याज का हाल क्या है। प्याज भी हमारा लगभग अच्छी तरीके से भुनने वाला है। बस यहाँ पर ध्यान रखना है, प्याज जितनी अच्छी तरीके से भूनेंगे उतना ही ये स्वादिष्ट लगेगा। तो प्याज को भूनने में आप कंजूसी बिल्कुल ना करें। अब प्याज भुन चुका है तो इसमें डाल देंगे हम मसालों का पेस्ट, और अब इसे भी हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। बस यहाँ पर सिर्फ हमको भुनाई अच्छी तरीके से करनी है, यानी कि जितनी अच्छी तरीके से मसाला भुनेगा उतनी ही ये स्वादिष्ट लगेगी। फिलहाल इसे हमें बहुत ही स्वादिष्ट बनाना था, इसीलिए मैंने इसके अंदर जो है मटन मसाला डाला है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि जो मसाले हमारे अच्छी तरीके से नहीं फूल पाए हैं वो और भी अच्छी तरीके से फूल जाएं। अब इसको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। मसालों को भूनने में मैंने पहले भी कहा है कंजूसी ना करें। और अब डालेंगे इसके अंदर हम टमाटर, मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के लाल लाल टमाटर लिए थे, अब इनको भी हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। ये देखिएगा इस मसाले के ऊपर तेल आ गया है, फिर भी इसे हम थोड़ा सा और भून लेंगे। तो अब डाल देते हैं इसके अंदर जो मैंने बड़ी बनाई थी उनको, अब बड़ी को भी मसालों के साथ अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि जो इसका स्वाद और फ्लेवर है वो बड़ी के अंदर चला जाए। तो भाई जब आप बड़ी डाल दें तो उसके बाद आप ज़रूर लगभग 3 से 4 मिनट अच्छी तरीके से भूनें। भूनने में आप कंजूसी बिल्कुल भी ना करें, जितनी अच्छी तरीके से भुनेगा उतनी ही स्वादिष्ट बनेगी। और अब डाल देंगे इसके अंदर हम 250 ml जितना पानी। अब फिर से इसे हम चला लेते हैं। यहाँ पर एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि इसे हम ढककर नहीं पकाएंगे, खोलकर पकाएंगे, जिससे जिसके ऊपर तेल है वो बहुत अच्छी तरीके से आ जाए। ये बड़ी लगभग हमारी बनने वाली है और इसका स्वाद बिल्कुल आपको नॉनवेज जैसा लगेगा, क्योंकि मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर यूज किए हैं वो सब के सब जो है नॉनवेज में यूज किए जाते हैं। तो मैंने इसमें मटन मसाला भी डाला है और किचन किंग मसाला भी, जिसकी वजह से जो इसकी ग्रेवी है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। अब सब्जी बनने वाली है तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। भाई सब्जी तो हमारी बन के रेडी है, तो अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस नॉनवेज स्टाइल बड़ी की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करेंगे। जब ट्राई करें अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें, और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, और इसके बगल का जो घंटा है यानी कि बेल आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि इसी तरीके से नई नई रेसिपियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। इस वीडियो पर आखिरी तक बने रहने के लिए आपका दिल से थैंक यू।